अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समीनाज़ रूटीन व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जुलाई का महीना चालू हो गया, यानी कि बहुत सारी बारिश होने वाली है। और ये है स्टार्टिंग का वीक, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो है यहाँ पर मंथली शॉपिंग व्लॉग, और यहाँ पर एक सिंपल से टिफ़िन रेसिपी आपसे मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और पिछला व्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर चेकआउट कीजिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही इन्जॉय किया था हमने माथेरान में। मेरा ये फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग था, तो ज़रूर से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है शूट के वक्त, बट मज़ा बहुत आया था। ज़रूर से जाके चेक कर लीजिएगा। ये मेरा घोड़ा है, थोड़ी देर के लिए मेरा दोस्त बनने वाला है ये, संभाल के लेके चलना भाई। और जिस दिन वहाँ से आए थे रात में 10 बज गया था, और आते आते हमने वहाँ से 6 बड़े बड़े कड़क पाँव ले लिए थे। मुंबई के रहने वाले हैं भाई हम, कड़क पाँव कहीं नहीं छोड़ते। तो वहाँ से हमने कड़क पाँव और चिक्की का पैकेट ले लिया था। मंथली शॉपिंग इन बजट, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सेस नहीं करना है। सबसे पहले निकलने से पहले घर से आपको चेकआउट कर लेना है कि आपके घर पे क्या है और क्या नहीं है, तब आप निकलिए और लिस्ट लेके निकलिए। तो लिस्ट जो बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ मेरे फ़ोन में ही लिस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है लिस्ट ना बनाओ तो फिर हम है ना सामान जो है डबल हो जाता है, और फिर वो पिछले महीने का सामान भी ख़त्म होता नहीं और फिर दूसरा आ जाता है। कोशिश ये करें कि लिस्ट बना ले, और फिर ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है मतलब उसके बदले कुछ और सामान ले ले, तो अब जो मंथली जो है गड़बड़ी जो बजट में होता है कि इस महीना सामान ज़्यादा ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ज़रूर से लिस्ट बना लें कि आपके घर पे क्या क्या है और आपको क्या क्या लेना है, और ये एक्स्ट्रा सामान है वो लेना क्या लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पटेल मार्ट, पटेल आर मार्ट। तो इसकी एक स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के क्या इसकी स्पेशलिटी है। यहाँ पर मुझे 17 इयर्स हो गए हैं आके, और इसे भी 17 इयर्स हो गए, और ये इसी तरह से फुल लॉन चल रहा है। तो यकीन मानिए ये कभी बंद नहीं हुआ सिवाय कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम इस पर भी फाइन पड़ गया था, तो मतलब ये ना शटर के नीचे से थोड़ा सा काम वाम चालू था एंड गड़बड़ हो गई थी, बट अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई इशू नहीं आया। बहुत ही छोटा सा अच्छा क्यूट सा मार्ट है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। वो जो आंटी आपने देखे वो हमारा बैग अपने पास रख लेंगे, इनके पास लॉकर्स भी है और लॉकर्स पे नंबर है उनका, वो नंबर वाला कार्ड ले लेंगे। और यहाँ पर हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नमक ले लिया है, फिर शक्कर ले लिया है। ये अब कहते हैं कि शक्कर नहीं खाना चाहिए, बट चाय पिए तो पिए कैसे, फिर बिना शक्कर की चाय भी तो नहीं अच्छी लगती है। तो बस शक्कर ले लिया है। यहाँ पर आ गया है बिस्किट सेक्शन, और यहाँ पर है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर तो यूसुफ को ऐसा लग रहा है कि वही शॉपिंग कर ले, सारा कुछ चल रहा था उसका दिमाग में। और यहाँ पर आ गई बासमती चावल लेने के लिए। अंकल ये 2 किलो करना। यहाँ पर स्लाइस चीज़ और सॉस चीज़ भी है, तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या ले सकती हूँ। स्प्रेड चीज़ है, मैंने ये ले लिया है सॉस चीज़। अंकल ने इसे पैक कर दिया है और इस पर टैग भी लगा दिया है। और ये है लाइट बिस्किट्स वगैरह, जो मैं ज़रूर से लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं होता कि उनको कब क्या खाने का मन कर जाए। यहाँ पर मैं ना दो दो तीन तीन करके अलग अलग बिस्किट्स लेती हूँ, ताकि बच्चे जो है एक ही बिस्किट्स खा के बोर ना हो जाए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉकलेट। यूसुफ, यूसुफ तुम्हारा चॉकलेट। तुम्हारा फेवरेट है। यहाँ पर लाइन से सारे बच्चों के स्नैक्स है, कुकीज़ है बिस्किट्स के बाद, और फिर नाश्ते का आइटम है, मतलब सब कुछ पैकेट्स में अवेलेबल है। और यहाँ पर सारी चीज़ें ना फ्रेश होती है, और ऑफ़र्स भी बहुत सारे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पर ऑफ़र होते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ा बहुत चोकोज। और यहाँ पर चाय पत्ती पर ना एक पर एक फ्री मिल रहा था, मार्वल्स की चाय पत्ती है प्रीमियम, तो ये ले लूँगी मैं। और क्या क्या चाहिए? बड़ा मज़ा आता है जब फ्री वाला आइटम मिलता है। मुँह में हाथ मत डालो,
जैम लेंगे अपन ना, जैम यहाँ पर एक ही फ्लेवर का है, यही ले लेते हैं। और ये है बच्चों का फेवरेट सेक्शन, मैगी सेक्शन। तो मैगी में ये ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर ओवर ईटिंग भी करते हो। केचप जो है वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ना छोटे छोटे पैकेट्स में है, चाहे हम 200 ग्राम्स का ले या पाव किलो का ले या फिर 500 ग्राम्स का ले या फिर 1 केजी का ले, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँगी हम सबका फेवरेट लज्जत पापड़। इतना पुराना है ये, अभी तो बहुत ही मतलब इसकी क्वालिटी जो है पहले जैसी नहीं है, बट स्टिल मैं ले लेती हूँ। बहुत सारे स्नैक्स हैं यहाँ पर, बट मैं जितना ज़रूरत है उतना ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर स्नैक्स हम भर के रखें ना तो बच्चे वही खाते हैं, तो बेटर यह है कि हम उसे ज़्यादा लेना अवॉइड करें और घर की चीज़ें बना कर दें। यूसुफ को ट्रॉली में बैठा दी हूँ तो टेंशन नहीं है। और यहाँ पर जूस सेक्शन भी है, काफ़ी सारे जूस हैं यहाँ पर, मैं कभी कभार ले लेती हूँ, तो इसमें मैं यही लूँगी, बी नेचुरल लीची का, क्योंकि लीची ऑलमोस्ट अब सीज़न ख़त्म हो गया लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मन को ही कंट्रोल नहीं करेंगे और सारी चीज़ें लेते जाएंगे तो ये हमारा बजट बिगाड़ देती है। ऑयल जो है मैं चेंज नहीं करती, क्योंकि ऑयल से हमारा जो खाना है हमारा बहुत डिफर करता है फिर। तो ये मंथली शॉपिंग में होता ये है कि चीज़ें बहुत सारी नज़र आती है, बट अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर सामान में गड़बड़ी हो भी जाए एंड ऑफ द मंथ तो कोई इशू नहीं, कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पर मैं कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम है और कपड़े जो है ना बिल्कुल भी सूखते नहीं, खासकर कॉटन के। तो यहाँ पर कंफर्ट जो है यहाँ नया आया है लिक्विड, वैसे तो पहले ब्लू एंड या पिंक फ्लेवर में था, यहाँ पर ये एंटी बैक्टीरियल कंफर्ट आया है। और ये मच्छर मारने की दवा भी, लिक्विड भी हमें लेनी पड़ती है, तो कंफर्ट ज़रूर से लीजिएगा, क्योंकि अभी बारिश में जो बहुत यूज़फुल होता है, स्टिंग नहीं आती कपड़ों में। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, इवन दो जो पूजा की सामग्री वगैरह होती ना वो सारा सेक्शन भी है इधर, एंड बच्चों का सेक्शन भी है, डायपर्स एंड उनके पाउडर्स, साबुन, यहाँ पर आ गया है डेटॉल एंड विक्स एंड डीओ, और ये देखिए सैनिटाइजर्स। सैनिटाइज़र का नाम लेते ही कोरोना की याद आ जाती है, डर लगता है अब सैनिटाइज़र नाम सुन सुन के। यहाँ पर काफ़ी सारे शैम्पूज हैं, और यहाँ पर यूसुफ पता नहीं उसे शायद डब्बा बहुत पसंद आता है, पाउडर बस वेस्ट करते हैं ना बच्चे तो अट्रैक्ट हो जाते हैं पाउडर के डब्बे से। थम्स अप करो। यहाँ मैं मंथली के लिए पूरे महीने के लिए एक पैकेट धनिया पाउडर ले लूँगी और इसे मैं रोस्ट करके हल्का सा भून के फिर पाउडर बना के रख दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। सारा मसाले का सेक्शन है यहाँ पर, एवरेस्ट और सुहाना गरम मसाला और सारी मतलब जो भी पाव भाजी मसाला है या फिर किचन किंग मसाला है, मतलब सुहाना का है सब कुछ और एवरेस्ट का है, ये दो ब्रांड चलते हैं यहाँ पर। और जो है पटेल अपना खुद का एक ब्रांड बनाया है, वो बनता यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर है बच्चों के जो सौंफ वगैरह होते हैं, खट्टी मिट्टी गोली होती है वो भी है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर पल्सेस का सेक्शन एंड बेसन मैदा पाउडर शुगर है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं, वैराइटीज़ ऑफ दाल्स है, जो आपको ज़रूरत है वही लीजिए। और इसी तरह से सोच समझ कर चलेंगे तो बजट में शॉपिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो है सॉस वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सोया सॉस और विनीगर था। और यहाँ पर है कुछ चॉकलेट्स का सेक्शन,
और आप पूरा टिन भी ऑयल का ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर आ गई थी काउंटर पर, मैंने सोची थी अम्ब्रेला ले लूँगी, बट यहाँ के जो मेंबर्स थे, स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने बोला कि है ना आप ना ले मैडम तो अच्छा है, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका अम्ब्रेला एक ही दिन में ख़राब हो जाए, क्योंकि इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो मैंने फिर नहीं ली थी। एंड यहाँ पर मैं बिलिंग करने आ गई हूँ। इस स्मार्ट की ये एक खासियत है कि आप 15 मंथ्स आप शॉपिंग करेंगे तो आपको जो 16th वाला मंथ होता है, नेक्स्ट मंथ जो होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, टोटली फ्री। लेकिन उसके लिए आपको नंबर आपका रजिस्टर करना पड़ेगा और एक सर्टन अमाउंट होता है। जैसे कि मैंने 3500 की शॉपिंग की है तो आपको 3500 का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उतने का ही आपको फ्री मिलेगा। अगर आप 3500 जा रहे हैं तो जो जितना, जैसे कि 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है या फिर 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैडम बहुत ही सिंपल एंड सिंसियर है, ये कार्ड मेरा भर रही है। ये इन लोग एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारा जो मंथली काउंटिंग है, बिल नंबर है, सब एक एक इसमें इनके कैटलॉग में, इनके फाइल में रहे। लास्ट में जब ये कार्ड पूरा ख़त्म हो जाता है तो ये लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर यूसुफ वेट कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा संभाल कर सामान डिलीवर करते हैं, वो भी फ्री। यहाँ पर मेरा कार्ड जो है मैनेजर से साइन होके आ गया है। अब ये लास्ट है, यहाँ पर बिल पर मैं पेड करके फिनिश अप कर दूँगी और हो गई मेरी मंथली शॉपिंग। विद इन 4000 में मेरा ये काम हो गया था यहाँ पर। एंड बहुत सारी चीज़ें जो डबल थी ना ऑलरेडी घर पे, मैं नहीं ली थी। और यहाँ पर हो गई है सुबह, सुबह का टाइम है, शाइस्ता स्कूल जाना है। और मैंने उसके टिफ़िन के लिए एक कांदा, मिर्ची, हल्दी और धनिया काट ली हूँ, बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने। और मीनवाइल मैं अपनी चाय भी निकाल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, बगैर चाय की तो मेरी सुबह नहीं होती है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन के। तो बेसन डालने के बाद मैं इसमें एक चुटकी फ्रूट सॉल्ट भी डाल दूँगी, फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसे मिक्स कर दूँगी। पानी जैसे हम डोसे का बैटर तैयार रखते हैं वैसा बनाना है और अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ये इंस्टेंट टिफ़िन बहुत जल्दी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और ऑमलेट की तरह हम इसे तवे पर, गरम तवे पर रख देंगे। ऑयल मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं इसमें। इसे स्लोली स्लोली स्प्रेड करना है, आप चाहे तो डिवाइड करके इसका बैटर स्प्रेड कर सकते हैं। मीनवाइल शाइस्ता खुद से रेडी हो गई थी। इसका बाल भी अब मुझे नहीं बनाना पड़ता क्योंकि अब है ना इसे जो स्कूल में रूल निकल आया कि दो पोनीटेल नहीं चाहिए, यानी कि एक ही पोनीटेल बांध के जाना है, तो मेरा झंझट ख़त्म हो गया है अब। हाँ, लेकिन छोटे बच्चों को है 2 पोनीटेल्स और न तो प्लैट्स। आप देख सकते हैं कितना ईजीली ये पलट दी मैंने। इसे अच्छे से सेक लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 2 रोटियां मैंने इसे तेल लगा दी हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना क्योंकि जो रोटी अगर हम ज़्यादा सेकते हैं तेल लगाकर तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हल्का सा तेल डाल के हाई फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे। जो बेसन का जो बैटर ठेपला मैंने बनाई थी इसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब मैं इसे रोटी पर रख दूँगी। रोटियों को मैंने एक ही तरफ सेका है तेल लगा के और गरम गरम में ही इसे हम जल्दी जल्दी फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा केचप डाल दूंगी इसमें, आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर आप मस्टर्ड सॉस भी ले सकते हैं। शाइस्ता को मस्टर्ड सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एंड ऑफ द मंथ मैंने छोटा सा पाउच लिया था तो मैंने सोचा पहले इसे फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा सा कैप्सिकम, आप ग्रेट किया हुआ कैरेट डाल सकते हैं, थोड़ा सा अनियन, और मैं इसे रैप कर दूंगी। तो ये हो जाएगा थेपला रैप। घर का बना टिफ़िन हेल्दी होता है। ये मैंने इसे चपाती में रोल करके दी हूँ। तो आप इसी तरह से अपना आइडियाज़ लगा सकते हैं किस तरह से आप अपने बच्चों को टिफ़िन
अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दे अपने टिफ़िन को। अब पेट भी भर जाता है बच्चों को, मतलब परेशानी नहीं होती है स्कूल में। बस मैं इसमें कट कर दूंगी, दोनों भी कट कर दूंगी ताकि इजीली वो खा सके। यहाँ पर मैं सुबह सुबह ग्रीन चटनी नहीं बना पाई थी, मुझे इसमें ग्रीन चटनी का होना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बेसन का ठेपला है, तो बेसन का ठेपला जो है ना ग्रीन चटनी के बिना अधूरा है।